हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैंड मॉडलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिएट करते हैं बॉक्स। एक बेसिक एरिया ले लेते हैं पहले, एक बेसिक एरिया इतना कुछ पार्ट। ठीक है, लेफ्ट में चलते हैं। यहाँ पे हैंड में यहाँ पे जोड़ना है, तो मैं इसका थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ यहाँ पर F3। ठीक है, रोटेशन एज यू नो 90 है मेरे पास। यहाँ पर चेक कर लेंगे, इतना एरिया मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ कैसे फुलफिल किया जाए यहाँ पर। ओके, हाइट विड्थ लेंथ फ्रंट में गए, विड्थ थोड़ा सा यहाँ पे उड़ा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट में चलते हैं, वापस रोटेशन दे देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे इस पर जो काम करना है, मैं इसको अच्छे से डील करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर बटन, जूम, एक्सटेंडेड, ऑल सेलेक्टेड, सब में आपके पास यहाँ पे चीज विजुअल हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, गो टू मॉडिफाई। सबसे पहला काम, फ्रंट में एक सेगमेंट दिया और वेट में एक सेगमेंट दिया। फ्रंट वाले सेगमेंट को थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना लगा। मैं अपने हाथ को नॉर्मल पोज में बनाऊँ। नॉर्मल पोज का मतलब होता है कि हाथ मेरे बस इस टाइप से और मेरा अंगूठा थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये बेसिक शेप ये बनाना होता है। तो इस शेप को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एडिट पॉली, सिर्फ थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा रोटेशन फ्रंट पे जाके 90 ऑफ कर देना आप यहाँ पे, लिटिल बिट इसको थोड़ा सा लिटिल बिट। अगर हम नॉर्मल फ्रंट पोज से देखें, तो हमारे पास हाथ कुछ इस टाइप से दिखता है, लाइक कर्व वाइज। बीच वाला पॉइंट आपका ऊपर होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे और इस वाला पार्ट भी थोड़ा नीचे। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, बेसिक शेप को अगर आप स्टडी करते हो, तो आपके पास चीज़ें निकल गई कि किस टाइप के शेप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बीच में अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे अगर थंब वाला पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे सेंटर वाइज मैं यहाँ पे दो सेगमेंट लूँगा। ठीक है, रिंग कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड कनेक्ट। ठीक है, अंगूठा हमेशा पीछे से निकलेगा जो ये एरिया है। ठीक है, अगर मैं पहले एक सेगमेंट देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बेसिक शेप्स को मैं तो मैं स्टडी करने वाला हूँ यहाँ पे। मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ये पार्ट। ठीक है, और देन इन चीज़ों को मैं एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल फ्रंट वाइज। ठीक है, अंगूठा है, अंगूठा मुझे किधर से एक्सट्रूड करना है। ठीक है, मैं कहूँ इस टाइप से, मैं अगर देखूँ यहाँ पे अपोजिट में जल के। ठीक है, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। ठीक है, और फॉर स्केल मैं चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, शेप समझ यहाँ पे। अब जो अंगूठा हुआ, अंगूठा आगे तक भी बढ़ेगा। लाइक बहुत बेसिक शेप के बारे में बात करूँ यहाँ पे, लिटिल बिट कुछ इस टाइप से। ओके, एक और एक्सट्रूड कर देते हैं यहाँ पे, एक एक्सट्रूड कर दिया मैंने एक्सट्रूड और। ठीक है, देन इधर एक तरफ। ठीक है, इधर से थोड़ा सा मैनेज करते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो अंगूठा होता है, अंगूठा कहाँ तक जाता है, आगे के जो फिंगर है उसके फर्स्ट कट तक जाता है। तो मैं चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एजेस वाइज मैं इसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ, लू दैन साइड से थोड़ा सा मैनेज करना है मुझे यहाँ पे। कुछ इस टाइप से, और नीचे वाला पार्ट है कुछ इस टाइप से मैनेज करना है। ठीक है, टॉप से भी देखो, टॉप से कैसे रोटेशन दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, चीज़ को थोड़ा मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, बेसिक लुक एंड फील। ठीक है, किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, और ये नीचे की तरफ बैंड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और देन इसके ऊपर अगर मैं एक लगा दूँ टर्बो स्मूथ, तो मेरे पास एक बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे विजुअल है, एक बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखिएगा स्मूथनेस के साथ, कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब चाहो यहाँ पे जो शेप है, इन शेप को भी थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। टर्बो स्मूथ करना, यहाँ पे शेप दिख रहा है यहाँ पे, दबा दबा से यहाँ पे सिंपल पार्ट स्मूथनेस के साथ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किसी चीज़ को अगर आपको मॉडिफाई करना है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो आप यहाँ पे। टॉप पे चलते हैं, जैसे ये पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर फिर से हम एक मॉडिफाई लेते हैं, एडिट पॉली। एडिट पॉली पे गए, चीज़ों को समझना है कि चीज़ों को मैं किस टाइप से समझ के मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। शेप्स और शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मुझे कितने चाहिए यहाँ पे। वन फिंगर के लिए हो जाएगा, ठीक है, टू फिंगर के लिए हो जाएगा, थ्री फिंगर के लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करने की कोशिश करूँ यहाँ पे। हुँ?
ये 20 से भी थोड़ा सा बाकी तरफ होगा यहाँ पे। हाँ ओके, तो उधर राउंडनेस के लिए मैं तो इसे बाहर निकालूँगा यहाँ पे, कर्व मेंटेन करने के लिए ये चीज़ आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, बेसिक शेप्स पार्ट पा रहे यहाँ पे, प्रोसेक्टिव में चलता है, प्रोसेक्टिव एंड जेट। यहाँ पर मैं शेप्स को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने एजेस, ठीक है, एजेस को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, लूप, ठीक है, आल्फा स्केल लिटिल बिट, थोड़ा सा राउंडनेस के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा कर दिया यहाँ पे, इसे सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे मॉडिफाई सेलेक्शन में, यहाँ पे सिंपल लूप कर दो तो लूप में ही सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लूप कर दिया यहाँ पे भी है, और देन इसे क्लिक कर दो सिंपल लूप ही सेलेक्ट होगी एक ही बार में, थोड़ा सा पतला कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। तो आपका सेप थोड़ा सा नजर आएगा, हाँ ऐसा कुछ हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे बार थोड़ा सा कार्टून ही कहता तो थोड़ा सा मैंने ठिक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर दिया यहाँ पे। ओके, बेसिक शेप को देखें यहाँ पे, जो मैंने कहा था थोड़ा सा वी शेप में अगर हमें चीज़ों को बनाना होता है तो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दो, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, अप कर दो यहाँ पे, अपने यहाँ पे आपका कर्व थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, अब शेप्स को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ लाइक कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। डिटेल में जाओगे तो डिटेल के लिए मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, मैं चाहूँगा उसे एक बार देखना यहाँ पे, प्रॉपर यहाँ पे कट शेप बना के भी आप चीज़ों को कट कर सकते हो, यहाँ पे कट करके देन ऐसा शेप कट कर दोगे तो आपके पास प्रॉपर आपका हैंड का और बेसिक पार्ट निकल गया, जो वी शेप हम लोग कहते हैं वो, और बेटर वे में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिंगर जोड़ने के बाद का तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे बेसिक शेप दिख रहा है यहाँ पे, एक कर्व वाला बेसिक शेप आपके पास आना चाहिए यहाँ पे, लाइक यहाँ के कुछ पार्ट, इन पार्ट को मैं देखूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टी फॉर टॉप, और इसे मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, लाइक सिंपल एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, देन एक्सट्रूड करने वाला एक आर फॉर स्केल, थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, लेफ्ट से चल के देखते हैं यहाँ पे, ओके, देन स्ट्रेट कर दो आप यहाँ पे, देन एक्सट्रूड कर दो आप यहाँ पे, तो ये शेप आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे, टॉप से चल के देखो यहाँ पे, तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे निकल जाएगा कि अच्छा हैंड का पार्ट कुछ मुझे इस टाइप से मैनेज करना है, पीछे का पार्ट, ठीक है, आगे के पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन मैं आगे के पार्ट में यहाँ से भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे शेप्स है, इन शेप्स को मैं कहूँ थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। अब एक किसी भी पार्ट को ले लेते हैं, सपोज इस पार्ट को लेके मैं आराम से मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मैं चीज़ों को और फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फिंगर, फिंगर को किस टाइप से मैनेज करना है, बहुत बेसिक से फंडा मैं आपको बताऊँ तो कार्टूनिंग में, ठीक है, मैं नहीं जा रहा बहुत डिटेल में, लेकिन जैसे शेप है शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, शेप क्या लाइक राउंड करना हमारे पास एक पहला मोटिव है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, देन आर फॉर स्केल थोड़ा सा राउंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, देन आर फॉर स्केल, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कुछ कुछ बेसिक शेप में बस यहाँ पे होते हैं, दो ऊपर बार सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस कुछ नीचे तक ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और आगे से देखें ये आगे एक पार्ट थोड़ा सा, और पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बाहर ज़्यादा दिखना चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट कहूँ, पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक होता है, जेट फोर जूम चीज़ों को बस ऑब्जर्व करके आप काम करो तो आपका काम बहुत अच्छा है, लाइक ये जो शेप है ये हमारे, अगर मैं इनको बात करूँ तो ये फ्रंट से दिखेगा आपको, ठीक है, लाइक ये आपका पार्ट इधर होना चाहिए, देखोगे आगे आगे का पार्ट पतला होता है, पीछे वाला पार्ट मोटा होता है, तो ये बेसिक शेप अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे चाहिए देखेंगे, हाँ ये शेप में बस थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, तो अपने आप में लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा राउंड करने से मैं राउंड कर देता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया मैंने राउंड, लाइक मैं अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, लाइक ऐसे भी होता है कि सिलेंडर को लिया, सिलेंडर से मैंने एक्सट्रूड करके बना दिया, या सिलेंडर को मैनेज करके बना दिया, यहाँ पे क्या इसे एक्सट्रूड करने में क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि ऐसे कैसे काम करता है, चलो आज मैं आपको एक्सट्रूड मेथड ही करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्ट टू फेसेस, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या करता है एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे एक्सट्रूड, ओके, अब एक्सट्रूड में क्या लाइक कितने अमाउंट पे मैं काम करने वाला हूँ, 1, ठीक है, अब इसी को मैं 3 बार में मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक 1 कर दिया, 1 पे मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 या मैं कहूँ 2 पे कर दो, 2 पे के काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहला वाला बड़ा होता है उसका और छोटा, ठीक है, उसका और छोटा, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे लाइक मैंने कर दिया 1 अप्लाई कर दिया यहाँ पे, दूसरा मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया 1.8, ठीक है, और मैंने कर दिया 1.5, तो ये भी एक रेशियो है अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो तो, ठीक है,
अभी बना तो दिया, लेकिन इसको मैनेज करना काफ़ी लोगों के लिए बहुत तो मुश्किल होता है। लाइक राउंड कैसे बने यहाँ पे, जो शेप देखो यहाँ पे, तो शेप के लिए इसको भी थोड़ा सा मैनेज करने का प्रोसेस बताता हूँ यहाँ पे। टॉप आर फॉर स्केल लूप देन आर फॉर स्केल, ठीक है। बेसिक शेप में क्या, लाइक ये थोड़ा सा पतला होगा स्केलिंग, ठीक है। लिटिल बिट देखा जाता है यहाँ पे, पिक्चर पार्ट थोड़ा सा मोटा है, यहाँ पे जॉइंट होगा, जो जॉइंट होगा उस जॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, लाइक इन सेगमेंट को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, लाइक दिस वन ठीक है, लूप ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, मैं कहूँ यार मेरे पास जो राइट क्लिक ऑन एट ऑल जो रेफरेंस है उन रेफरेंस में बहुत ही फ्लफीनेस है, ठीक है। मैं कहूँगा शायद एक ही जॉइंट है, दो जॉइंट है, ठीक है। तो इन जॉइंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक एंड सेम फोर ऑल्ट क्यों, ठीक है। एक सेगमेंट मैंने दे दिया यहाँ पे, इन सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे डब्लू, ठीक है। दोनों को अंदर की तरफ इन सेगमेंट को प्रॉपर प्लेस करेंगे यहाँ पे, शेप्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं लोग यहाँ पे, ओके। सेगमेंट लेते हैं यहाँ पे, लाइक इनके बीच में एक सेगमेंट देना है, रिंग राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट कर दें यहाँ पे, वन प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस मेंटेन करते हैं यहाँ पे, कि शेप में वो उनको थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे। कर्व यहाँ पे देखिएगा तो आपका काम बहुत अच्छा निकल गया है यहाँ पे, ठीक है। लाइक शेप्स कर्व को प्रॉपर मेंटेन करो आप यहाँ पे, ठीक है। लगता है तो यहाँ पे दिखाने के जॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे है, तो ये जॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे, तो मैं तो हल्का सा प्रेस करके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ जाए यहाँ पे, कोई भी शेप का एक वैल्यू होनी चाहिए, एकदम ऐसा ना हो कि इसको अप एंड डाउन करने से कोई फर्क पड़े। जैसे देखो यहाँ पे देखो तो इसकी एक वैल्यू है ना यहाँ पे, इक्वल कर दूंगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कर्व मेंटेन थोड़ा सा करोगे तो थोड़ा सा शेप आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ओके। बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश की यहाँ पे कि यार ऐसा कुछ हो यहाँ पे, ओके। और लाइक ट्रवर स्मूथ में गए, ठीक है, एक और लेते हैं ट्रवर स्मूथ, ठीक। ऐसा कुछ राउंडनेस वाला पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। राउंड हाउस फिंगर यहाँ पे आएगा, जो कॉर्नर पार्ट है इसको देखो, ये थिकनेस है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये कम कैसे होगा, लाइक एजेस पे चलते हैं यहाँ पे, एजेस, ठीक है। वन लूप सेकंड लूप, ठीक है, उनको रिलैक्स करके देखते हैं यहाँ पे। लूप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और रिलैक्स, ठीक है। टॉप वन थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा और बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, लाइक ये शेप है, इन शेप को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, इधर की तरफ और इधर की तरफ, ठीक है। और देखो एक ये प्रोसेस है जिसके तो आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे के साथ आप क्या कर सकते हो, लाइक राउंड के साथ आपने दिया, अब इसी की जस्ट कॉपी कर लो आप यहाँ पे फिंगर के, ठीक है, कि कितना बार आपको दिखाना है, कितना बार आपको मैनेज करना है यहाँ पे, जितना थिक करना है थिक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे बेसिक एक मैंने आपको आइडिया दिया कि यार शेप्स को कुछ स्टेप से भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। मैंने काम कर लिया यहाँ पे, लाइक पॉलीगन्स पे चलते हैं यहाँ पे, ग्रो 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 ग्रो, ठीक है। जस्ट स्विफ्ट एंड डुप्लीकेट, क्लोन टू एलिमेंट करना है, क्लोन टू एलिमेंट कर लो या क्लोन टू ऑब्जेक्ट कर लो, एज यू विश, ठीक है। सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन हल्का सा स्केल कर लेते हैं यहाँ पे, आर फॉर स्केल, हल्का सा रोटेशन, और देन मिरर कर दो यहाँ पे, मिरर कॉपी, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और सपोज एक मैं आपको अगर नेल्स में हाथ में उसका भी काट दे दूंगा, आपको साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, एजिस पे गए, ठीक है, ओके। ऑल्ट आर कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, लाइक ये बटन ऑन करना तब शॉर्टकट चलेगा आपके यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। सेम हेयर, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, और
यहाँ पे मैं जो ऑप्शन देना चाहता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एडिट में गए, स्विफ्ट स्विफ्ट एंड क्लिक करो, अपना बाहर भी आ जाएगा। ऐसे भी आप सेगमेंट दे सकते हो और सेकंड वे में आप सेगमेंट दे सकते हो। देखो तो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे देखो ना, ये मैंने जब स्विफ्ट एंड क्लिक किया ये अपने आप अप हो गया, यहाँ पर अप नहीं हुआ। तो अगर मैं चाहूँ तो इस ऑप्शन को अंडू करके यहाँ पर मैं इस प्रोसेस से दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। देखो एडिट पर गए, ठीक है, स्विफ्ट एंड क्लिक करो, यहाँ पर देखो ऊपर हो गया आपका, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपको फ्लो को मैनेज करने के लिए। ठीक है, दो को सेलेक्ट करो ऑल्ट क्यों, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइक चलते हैं यहाँ पे पॉलीगन्स 1, 2, 3 एंड 4 डिलीट। ठीक है, अटैच कर सकते हैं, अटैच दिस वन, अटैच कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करो बॉर्डर, दिस बॉर्डर एंड दिस बॉर्डर इक्वल सेगमेंट है दोनों में 16, यू कैन ब्रिज, ब्रिज हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और ब्रिज करने से रिलैक्स कर दो आपके यहाँ पर, ये वाला रिलैक्स, ठीक है, मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पर। एक से ज़्यादा जितने भी जॉइंट्स होंगे वहाँ पे 3 सेगमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सेगमेंट मुझे देना चाहिए, मैंने दिया नहीं यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, लाइक सिंपल सा पार्ट, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, और फॉर स्केल थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ओके, टॉप लेवल, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, परस्पेक्टिव इन जेट, ऑल्ट क्यों, टॉप एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे पॉलीगन्स 1, 2, ठीक है, परस्पेक्टिव एंड जेड 3 एंड 4 डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। सेम प्रोसेस क्या करेंगे यहाँ पे, इसको भी अटैच करते हैं यहाँ पे, अटैच, अटैच दिस वन। ठीक है, ब्लैक से दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक मतलब समझ लें यहाँ पे, लाइक हो सकता है उल्टा है तो फ्लिप कर लेते हैं, कलर समझ लेना यहाँ पे। ठीक है, कलर वाइज देखो सबके कलर इक्वल जैसे दिखें, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दोनों बॉर्डर को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्रिज ब्रिज कर, हम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर देते हैं यहाँ पे, जो चीज़ थोड़ी सी मैनेज कर देगा आपको यहाँ पे, टॉप, ठीक है, रिलैक्स, ओके, एजेस, लूप, ठीक है, ऐसा कुछ मैनेज किया जा सकते हैं यहाँ पे। ऑल्ट आर, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, इसके पीछे भी एक रीजन, लाइक सेफ्स को पीछे से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। टूनिक है, टूनिक के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, बेसिक शेप को देखें यहाँ पे, जो एजेस होंगे ये तो हल्का सा प्रेस कर देते हैं यहाँ पे लिटिल बिट। ठीक है, आर फॉर स्केल, और थोड़ा सा मैं चाहूँगा यहाँ पे डब्ल्यू से यहाँ पे मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वन टू एंड थ्री, इन तीनों पॉइंट को लेकर अप कर देते हैं अपने, हल्का सा छोटे छोटे पार्ट निकले होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बेटर देखिए, यहाँ पे चीज़ों को देखना, सोचने समझने की कोशिश करना पे कि शेप्स किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे लिटिल बिट। ठीक है, जैसे इस सेगमेंट मैंने यहाँ पे देखिए, इस सेगमेंट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहीं पे मैं कनेक्टिविटी देख के मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो भी इसको पार्ट है, ऐसे ही सेलेक्ट कर लो या बाई एंगल सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। बॉर्डर सेलेक्ट करो यहाँ पे, कितने सेगमेंट है मेरे पास यहाँ पे 16, चाहिए कितने 10। तो अब इन सेगमेंट को मैं यहीं पर टर्न करने वाला हूँ यहाँ पे, सपोज राइट क्लिक एंड कट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो सेगमेंट को ऐसे ही मैनेज कर दिया यहाँ पे, 2 प्रेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लूप करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंड बैक स्पेस, सेगमेंट कम हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, इवन अगर मेरे को इन दोनों को जोड़ दूँ यहाँ पे, स्पेसिंग मुझे मैनेज करना, तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट कर दें दोनों को, सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, अब इन्हें कोलैप्स करके देखो यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, तो ये आसपास हो गया यहाँ पे कोलैप्स, ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कोलैप्स, देखो ये प्लेसमेंट अपने आप में यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऑल्ट एंड आर एंड राइट क्लिक एंड कोलैप्स, ओके, तो प्लेसमेंट को खुद लेके आना चाहो तो खुद लेके आ सकते हो आप यहाँ पे, एजेस पे गए लाइक दिस यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, नन यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तब यहाँ पे देखो मैनेज कर सकते हैं पे, लाइक सेलेक्ट कर दिया दोनों को, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस। ओके यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनको कैसे मैनेज करेंगे, राइट क्लिक एंड कट, पेंटागन को मैनेज करना आपको आना चाहिए यहाँ पे। जैसे हम लोग सिर्फ पैसे देते हैं ऐसे भी काम कर सकते हैं, स्नैपिंग पे चलो, वर्टेक्स ऑन कर लो आप सिंपल, ठीक है, स्नैपिंग ऑन ऑफ का गेम की दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने कट कर दिया, फिर स्नैप ऑन करो आप, यहाँ पे कट कर दो तो प्रॉपर स्नैप कर लेगा आपको, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है रिलैक्स। ओके ये ध्यान रखना स्नैपिंग ऑफ कर देना आपको, ठीक है, और देन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना पे तो चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखेंगे आपके यहाँ पे। बेसिक बेसिक चीज़ को आप देखो तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगे यहाँ पे, लाइक जो सेप्स हैं बस इन सेप्स को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं आराम से सेलेक्ट करके मैनेज कर सकता हूँ पहले, स्केलिंग कुछ इस टाइप से, ठीक है, देन इनको सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे स्केलिंग, ठीक है, जैसा सेप आप यहाँ पे देखना चाहोगे वो आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है, वन बाय वन करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, लाइक आप करना आप कर सकते हो आप यहाँ पे, दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर दे आपको यहाँ पे जितना राउंडनेस चाहिए, ठीक है, सेप को आपको समझना है कि यार सेप को मैं किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक तो बेसिक सेप कुछ इस टाइप से हम लोग डील कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट कितने हो गए यहाँ पे, बॉर्डर बॉर्डर में देखो कितना 14 सेगमेंट्स है, अभी मुझे कितने सेगमेंट पे लेकर ना 10 पे, ठीक है, तो ये भी डील करना अपने आप में एक पार्ट है, लाइक देखो यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं सेगमेंट्स यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मैंने एक काम करते हैं यहाँ पे, लाइक देखो कहाँ पर हम लोग ये कोलैप्स करते हैं बीच वाला एरिया हमारे पास, यहाँ पे जॉइंट मतलब इसके बीच में टर्न नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया कोलैप्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देन कोलैप्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कोलैप्स, ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कोलैप्स, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे चाहिए मैनेज कर दिया, ठीक है, ये तो यहाँ पे ट्रायंगल एंड ट्रायंगल को मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, तो आपको एक प्रोसेस और बताता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है, देन रिलैक्स कर दो आप यहाँ पे रिलैक्स, तो क्वाड बन जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपको ऐसे भी मैनेज करना आएगा कि यार सेप्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप सब चीज़ को डील कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे सेप है इन्हीं सेप को देखो यहाँ पे लाइक एजेस को सेलेक्ट करो, राउंडनेस को सब मैनेज करो यहाँ पे, चीज़ को मेंटेन करना आपको आना चाहिए, बॉर्डर कितना हो गया 12। ओके जैसे हमारा हम लोगों ने हैंड कंप्लीट किया, ठीक है, एक बेसिक लुक एंड फील दे दिया हमने यहाँ पे, तो जितना हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट बेसिक लुक एंड फील देने के बाद हम लोग देखते हैं सेगमेंट्स कितने यहाँ पे, लाइक अगर मैं इसका आउटर पार्ट देखूँ यहाँ पे, आउटर पार्ट में देखा है तो देन यहाँ पे जो सेगमेंट्स का जो रेशो है एक बार फर्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑफ कर दें यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट बॉर्डर, बॉर्डर देखते हैं यहाँ पे 12 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, अब 12 सेकंड से या तो हम लोग 2 सेकंड यहाँ पे कम करें या 2 सेकंड वहाँ पे बढ़ाएं, यहाँ पे ठीक है ओवरऑल लुक एंड फील, ठीक है, कोशिश करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाने की, तो देन डू वन थिंग, टॉप लेवल हैंड लिया, ठीक है, ऑल्ट क्यों, और एक काम करते हैं एक एजेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक एजेस को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सैम्फर किया यहाँ पे, जो बस एजेस है इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे सैम्फर का काम करते हैं, लाइक सपोज ठीक है मैंने एक काम करते हैं यहाँ पे एक एडिट पॉली लिया यहाँ पे एडिट पॉली, ठीक है, एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं पे, ठीक है, एजेस देन लूप राइट क्लिक एंड सैम्फर, ठीक है, लिटिल बिट, ओके सैम्फर करना मतलब मुझे यहाँ पे इन सब की स्पेसिंग को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास पार्ट है जो मेरे अगर मैं यहाँ पे लूप देखा यहाँ पे तो इसको भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे लूप, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, सेम सी चीज़ें यहाँ पे लाइक लूप है मेरे पास यहाँ पे, इसको हल्का सा रिलैक्स करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि थोड़ा सा मैनेज हो सके यहाँ पे, ठीक है, लूप है यहाँ पे देन रिलैक्स, तो थोड़ा सा स्पेसिंग अगर मैनेज हो जाएगा तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है यहाँ पे, टॉप लेवल, ठीक है, सेलेक्ट करो बॉर्डर, बॉर्डर सेलेक्ट करना लाइक 12 एजेस है मेरे पास यहाँ पे आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो चीज़ को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करके देखते हैं यहाँ पे, और कोशिश करते हैं लाइक यहाँ पे राइट क्लिक एंड अनहाइड ऑल, फ्रंट पे चलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोपोर्शन को सेट करते हैं यहाँ पे, मेरे पास जो हैंड जो बनाया वो हैंड थोड़ा सा बड़ा है तो कोशिश कुछ स्टेप से करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे, एज यू नो जैसे हमारे पास अंगूठा बाहर की तरफ है तो हम लोग इसे मैनेज करने के लिए क्या करते हैं मिरर का ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे मिरर, ठीक है, जस्ट नो क्लोन यहाँ पे काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, मॉडल सेलेक्ट करते हैं देन ऑल्ट क्यों, ठीक है, लेफ्ट,
अब करने के लिए पोजिस में बना दो, पोजिस में बना सकते, पोजिस में बना सकते हैं पे, मैं चाहता हूँ नहीं तो हम लोग बिना पोजिस के ही काम करें आप यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा रोटेशन, ठीक है, नॉर्मल वे में, ठीक है, और आर फोर स्केल हल्का सा स्केल भी करते हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा लगे यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट, ठीक है, जो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट करते हैं दोनों पार्ट को, ठीक है। एज यू नो लाइक क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमने फिंगर को अटैच किया था वैसे यहाँ पे अटैच करेंगे यहाँ पे, और चीज़ को थोड़ा सा मैनेज भी करने वाले हैं यहाँ पे, लाइक जो शेप्स है उन शेप्स को थोड़ा सा फुलफिल करेंगे यहाँ पे स्मूथनेस के साथ, ठीक है। लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एडिट पॉली है मेरे पास यहाँ पे, अब इसको चलते हैं अटैच करते हैं, राइट क्लिक एंड अटैच, क्या देखें दोनों में से किसी में स्मूथ नहीं हो, जहाँ स्मूथ आपने डाला तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, सबके कलर अलग अलग आ गए, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर सेलेक्ट करो आप यहाँ, बॉर्डर एंड देन बॉर्डर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रिज अभी अपोजिट जा रहा है, मतलब अगर ऐसा क्रॉस आ गया मतलब समझो कि यहाँ पे पॉलीगन्स में दिक्कत है, मतलब नॉर्मल्स की प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एक मॉडिफायर यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है एडिट नॉर्मल, एडिट नॉर्मल लाइक डिस्प्ले है, डिस्प्ले पार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन से पॉलीगन ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कॉर्नर पार्ट निकल रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर से निकल रहे हैं, ये इसके अंदर से जा रहे हैं, तो मेरे पास मुझे पता चलेगा ये उल्टा है। तो एडिट नॉर्मल को कर दे डिलीट, सेलेक्ट कर दे मॉडल को एलिमेंट, देखो कलर ब्लैक दिख रहे हैं यहाँ पे, देन फ्लिप कर दो आप यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करके देखो यहाँ पे बॉर्डर एंड बॉर्डर, ठीक है, ब्रिज, तो ये क्रॉसिंग नहीं करेगा, लेकिन जो पहले जैसे देखा तो वैसा नहीं दिखेगा, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे चीज़ को मैनेज करने के लिए, अब यहाँ पे मैं इन शेप्स को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक करता हूँ, ऑल्ट आर डन राइट क्लिक एंड कोलैप्स, तो ये अपने आप मैनेज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेज करने की प्रोसेस आप इस टाइप से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, एक चीज़ और ध्यान देना, ये एडिट पॉली है, एडिट पॉली एक सिमेट्री है, देखना पड़ेगा सिमेट्री, ओके, मैं फिर से सिमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एफ फॉर फ्रंट, मैंने काम कर दिया यहाँ पे, एक और सिमेट्री लगा देते हैं, जस्ट इसकी कॉपी कर दें, राइट क्लिक एंड कॉपी, यस एंड होल्ड कॉपी, एंड देन इसके ऊपर लगाते हैं पेस्ट आगे मेरे पास यहाँ पे। तो ऐसे भी हम लोग चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं स्मूथ लगा के देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, टर्निंग तीन सेगमेंट्स हैं, इट विल वर्क, ठीक है, देन अनाइड ऑल। एक छोटा सा पार्ट था, लाइक सपोज कभी दिमाग में आता है कि नहीं हमें नेल्स वेल्स भी बनाना है, तो नेल्स वेल्स कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपका स्कर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लाइक थोड़ा सा पोजेज वोजेज देख के मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, लाइक एफ फॉर फ्रंट पे गए, मटेरियल चेंज कर देते हैं यहाँ पे, लाइक मटेरियल है मेरे पास यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मैंने मटेरियल चेंज कर दिया यहाँ पे असाइन, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस पूरे पार्ट में हल्का सा हैंड को ऊपर करूँगा, हैंड को ऊपर करते हैं यहाँ पे आपके इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो डू वन थिंग, लाइक कोशिश करते हैं थोड़ा सा पोजिस का, ठीक है, सिमेट्रिकल में बस यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, एडिट पॉली यूज़ करता हूँ यहाँ पे, एडिट पॉली, ठीक है, ठीक है, ग्रो ग्रो, जैसे यहाँ पे मैंने काम कर दिया यहाँ पे, लेफ्ट पे गए यहाँ पे, थोड़ा सा रोटेशन देने की कोशिश, देखो मैं रोटेशन कहाँ दे रहा हूँ और जा कहाँ रहा है, तो देन थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा यहाँ पे, हल्के फुल्के आप पोजिस को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कि ऐसे कुछ पार्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डील करना है जैसे नहीं कि नहीं यार हम लोग से नहीं हो पाएगा, देन जो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। फ्रंट पे चलते हैं यहाँ पे, एफ फॉर फ्रंट, हल्का सा रोटेशन, लाइक ऐसे कुछ मैनेज करते हैं, मैनेज कुछ इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा पोजिस वाइज वर्क कर सकते हो आप यहाँ पे। सेम चीज़ देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा इसमें मैंने काम किया, मैं इस पर भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं करना, जस्ट यस, ठीक है, कट कर दिया नहीं, ठीक है, पेस्ट रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, तो इधर ही अपना आप हैंड आपका आ जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा डील करना आपको आना चाहिए यहाँ पर, मैसे स्मूथ है, कट करके मॉडिफायर के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, पेस्ट, तो आपके स्कर्ट करने से भी आपका हाथ नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डील करना आपको आ जाएगा कि किस ऐसे शेप हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।
ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं अपन। एक छोटा सा पार्ट लाइक सपोज आप लोगों में से लाइक किसी को लगता है कि हमें नेल्स भी बनाना है, मैंने इसमें नेल्स नहीं बनाया, नेल्स का इसका रोल नहीं था कोई, तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको अभी दे दूँ। 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है, राइट क्लिक एंड इंसर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके क्या भाई इंसर्ट बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, तो हमें यहाँ पे इसका ऑप्शन से यहाँ पे जाकर मैनेज करना होता है यहाँ पे। डन ठीक है, लेफ्ट में क्या लेफ्ट एंड जेड हल्का सा रोटेटेड ठीक है, देन एक्सट्रूड बेल कर लो आप यहाँ पे ठीक है। ठीक है ऐसे शेप का मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, और देन परस्पेक्टिव एंड जेड तो अगर लगता है तो सारा शेप आपको थोड़ा मैनेज करना है, राइट क्लिक एंड नाउ स्टोगल ऑन कर दो, बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे ठीक है। नेल्स का एक एरिया, नेल्स को आप अगर बनाना चाहते हो ऐसे भी बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, लाइक क्लिक एंड स्टूड ठीक है। तो बेसिक कुछ शेप देखो होते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, तो उसे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, लाइक ये पार्ट है तो उसे पीछे तक पड़ता है आप यहाँ पे, तो मैनेज किया जा सकता है गाइस। मतलब और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहो तो मैं चैनल पे चले जाना जेड मैक्स रुपये, वहाँ पर हैंड टाइप कर देना तो वो आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे ठीक है। मैंने अलग अलग प्रोसेस से भी काम किया, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये भी थोड़ा डिफरेंट है, इन चीज़ों को थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे, मैनेज करना मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है। ट्विकिंग करने के बाद हम लोग चीज़ और बेटर वे में चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ट्विकिंग अभी हम आपस में अभी ड्यू है ओके। जिस हम लोग यहाँ पे देखें हम लोग एक बेसिक मॉडल रेडी हो गया यहाँ पे, एक छोटा सा पार्ट रहता है लाइक हमें थोड़ा सा ईयर वे भी बनाना था, ईयर वे भी हम लोग देखना चाहें तो जस्ट गिव मी फाइव मिनट हम लोग यहाँ पे एक ईयर का बेसिक शेप हम यहाँ पे निकाल देंगे। लाइक जैसे हमारे शेप है यहाँ पे पॉलीगन्स लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ओके, ईयर का बेसिक शेप लाइक लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे जेट फॉर जूम, यहाँ के इतने पार्ट को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ठीक है। बेसिक परस्पेक्टिव सेलेक्ट करना, एक्सट्रूड कर दिया ठीक है, फ्रंट बोलते हैं फ्रंट एंड जेट लाइक बेसिक शेप को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये ऐसा पार्ट हमारा हमेशा जो ईयर जो होता है वो आपका कुछ टिल्टेड ऐसा होता है ठीक है। लेफ्ट में चलो बेसिक शेप आप दे सकते हो आप यहाँ पे, लाइक वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे डब्लू, लाइक राउंडनेस आपको पता है राउंडनेस के साथ आपको देना है पे ठीक है, तो आप शेप को थोड़ा सा राउंड आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ईयर को अगर डिटेल में देखना, डिटेल में भी मैंने लाइक अलग अलग लेवल पे मैंने दे रखा अपने चैनल पे, उसमें देख लेना बहुत अच्छे डिटेल में भी गिवन है, कार्टूनिक में भी आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ बेसिक चीज और भी आपको अवेलेबल है, तो देन अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक सिंपल सा पार्ट फ्रंट पे गया, मैंने एक और शूट कर दिया यहाँ पे लिटिल बिट ठीक है लेफ्ट ओके। अब यहाँ पे शेप देखो, शेप में बस क्या आएगा लाइक ये हम लोग यहाँ पे मैच स्मूथ ऑन कर देते हैं यहाँ पे, तो बेसिक शेप आपको दिखना स्टार्ट हो गया ओके। बेसिक शेप में बस ऐसा कुछ यहाँ पे विजुअल है यहाँ पे ठीक है, जो बेसिक शेप है उसको तो समय मैनेज करने वाला यहाँ पे, इस एजिस पे गए ऑल्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई कनेक्ट कर दो आप यहाँ पे कनेक्ट, ये सेगमेंट की वजह से मैंने वापस लिया यहाँ पे टॉप पे गया टॉप एंड जेड डिसलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मैनेज करते हैं यहाँ पे ठीक है, वन प्रेस कर दिया यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा बाकी तरफ निकालो आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे अच्छा से शेप कुछ इधर तरफ विजुअल होगा यहाँ पे। ईयर की कुछ खासियत होती है सामने से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग में आता है ठीक है, तो पहले काम करते हैं सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे इंसर्ट ठीक है, देन हल्का सा इंट्रूड कर देते हैं यहाँ पे, एक्सट्रूड को नेगेटिव लेके जो कहते हैं उनको कहते हैं इंट्रूड ठीक है, ऐसा कुछ शेप दे दिया यहाँ पे और चीज़ को थोड़ा सा बेटर वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। ये का ये पार्ट देखोगे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट कार्टूनिक के लिए मैं देखूँ यहाँ पे ठीक है, ये वाला पार्ट ना ये अंदर की तरफ जाता है, तो इसे अंदर की तरफ करने के लिए हम लोग जस्ट रिलैक्स का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं स्मूथ ठीक है, देन चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है। फ्रंट
बेसिक शेप आप किस टाइप से दे सकते हो, जैसे हमारे ईयर बहुत विजुअल नहीं है तो हमने यहाँ पे बेसिक शेप ये दे सकते हैं। चलो इतना हमने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो देन लाइक बेवल करके मैं तो सारे पार्ट यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, लाइक ओके डन। अब मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अगर बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर कुछ विजुअल हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिक शेप वाइज चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिटेल वाला काम नहीं सोचा हम लोग, कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जस्ट बेसिक शेप का एक मैंने आइडिया था कि ऐसे शेप को आप निकाल के मैनेज कर सकते हो, लाइक फ्रंट में चलो आप यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमें यहाँ पे, मैं स्मूथ बेसिक लुक एंड फील आपको यहाँ पे देखिएगा कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, जिस पार्ट है उसको मैनेज करते हो हम लोग यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे बी फोर परसेंट इन जेड, ठीक है। देन डिसलेक्ट, देन विद द हेल्प ऑफ रिलैक्स मैनेज करो आप यहाँ पे। और ये भी लाइक अपर फ्रंट इतना जो पूरा पार्ट है, अल्फा लेफ्ट, ठीक है, परस्पेक्टिव एंड जेड थोड़ा सा आप देखते प्रेस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जस्ट ये देखो हम लोग शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जब कहते हैं ट्विकिंग, ये ट्विकिंग वाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ, फिर शेप्स को मैं किस टाइप से और बेटर वे में जो फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टर्न करो आप यहाँ पे, देन ट्विक करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो शेप आपको और भी बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, लाइक ऐसा करके तो मैनेज करना आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लाइक शेप्स यहाँ पे, देन ये शेप्स यहाँ पे, ओके। ब्लेंडिंग में यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, इन शेप्स को लाइक मुझे यहाँ पे ब्लेंड करके यहाँ पे ख़त्म करना है, तो देन इनको मैं आराम से मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ये देखो तो ब्लेंड में आ जाएगा यहाँ पे। लाइक चाहते हैं आप हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप निकाल के बाहर तक एक्सट्रूड करते हैं यहाँ पे, जैसे बेसिक शेप कुछ होते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड करके यहाँ पे निकाल दूँ बाहर, तो देन ऐसे एक्सट्रूड करके भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, होता है यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे कुछ निकाल दिया है, लो भाई थोड़ा सा मैनेज करते हैं लेफ्ट में गए, अच्छा अच्छा शेप मुझे कुछ दिखाना है, तो इस टाइप से चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। तो देखो दस मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया यहाँ पे राइटली करना है डॉल। अब देखो हेयर के अंदर आपके पास जो पूरा पार्ट वो चिप जाएगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या पता चला, अच्छा ईयर अगर बन गया तो मेरे पास यहाँ पे हेयर पे थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई यहाँ पे भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। ओके टॉप एंड जेड एफ थ्री, तो मैंने काम करना यहाँ पे लिटिल बिट कवर कर दिया यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास कुछ काम ऐसा हो जाएगा। ईयर में ईयर को भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता था यहाँ पे, और लाइक वे है आपका कि किस तरह से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे कोई इधर भी दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट क्लिक ऑन टॉप लेवल, ठीक है, टॉप एफ थ्री, देन यू कैन मैनेज, ओके। अब मैंने बना भी दिया और विजुअल भी नहीं है, इसीलिए जब जो चीज़ विजुअल नहीं होता हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो गाइस ये जैसे बेसिक मॉडल रेडी हो गया आपके यहाँ पे, ट्विकिंग अपने आप में एक अलग पार्ट है, जितना ट्विक करेंगे उतना इसमें और इस ब्यूटीफाई हो पाएगा, लाइक बहुत अच्छा बहुत ब्यूटीफाई हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ट्विकिंग का पार्ट आपका रह जाता है, बाकी ओवरऑल एक मॉडल कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।